नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सैमसंग A32 मोबाइल में आप यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप थोड़ी देर अपने फ़ोन को छोड़ देते हैं तो आपका स्क्रीन जो है बंद हो जाता है, तो बार बार आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट की सेटिंग करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आपको चले जाना है सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप ऐसे स्क्रॉल करोगे तो डिस्प्ले का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कर लोगे। तो डिस्प्ले पे जाने के बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल करना और यहाँ पे आपको स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये 30 सेकेंड का अवेलेबल है अभी, यहाँ पे एक्टिवेट है सॉरी। तो यहाँ पे आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट और 10 मिनट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 10 मिनट कर दूँगी और 10 मिनट तक ये मेरी स्क्रीन बंद नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं आराम से बच्चों को फ़ोन देके पढ़ाई करने के लिए दे सकती हूँ। तो इस टाइप से आप यहाँ पे स्क्रीन को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे जब पढ़ाई की बात आ रही है तो ये जो अडप्टिव ब्राइटनेस है आप इसे ऑन रह देंगे, और ये आई कम्फर्ट शील्ड है तो आप इसे ऑन ऐसे कर देंगे ताकि आपकी आंखों पे जोर ना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर लेंगे, और ये आई कम्फर्ट भी आप यहाँ पे ऐसे करके शेड्यूल कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑलवेज ऑन रखा है, और यहाँ पे सुबह से लेके और यहाँ पे जैसे कि रात से लेके आपका सुबह तक जब आप फ़ोन चलाते हैं तो यहाँ पे आप ये वाला भी कर सकते हैं और कस्टम भी कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। तो इसका टेम्परेचर कितना चाहिए आपको यहाँ पे कलर का, तो यहाँ पे ज़्यादा येलो हो जाता है, ज़्यादा लाइट हो जाता है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं कि कितना ये ब्राइट होना चाहिए। तो इस टाइप से आप यहाँ पे सेटिंग कर लीजिएगा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।